हूँ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद एना। आज मैं अपने चैनल पर बना रही हूँ देगी पुलाव। व्यूअर्स, ये बहुत मज़े का बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने गोश्त लिया है 1 किलो और चावल भी 1 किलो लेकर उन्हें पानी में सोख होने के लिए रख दिया है। आप चावलों को तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें। गरम मसाले में मैंने लिया है 2 बड़ी इलायचियाँ, जायफल जलवत्री और बादियान, तकरीबन बादियान का 1 से 1.5 फूल, उसकी पत्तियाँ ली हैं। जायफल एक छोटा टुकड़ा, 1 पिंच जितना, ये देखें। और जलवत्री भी बस थोड़ी सी आपने लेनी है, जिससे बस हल्का सा आपके पुलाव में टेस्ट आ जाए और गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा मैंने ली है दालचीनी, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े और चंद काली मिर्चें और लौंग, 5 से 6 अदद लौंग, हरी मिर्चें कटी हुई 1 प्याली या आधी प्याली ले लें। अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ हैं तो आप थोड़ी ले लें, अगर तेज़ नहीं है तो ज़्यादा लें, हरी मिर्चों से टेस्ट अच्छा लगता है। 2 प्याज दरमियाने साइज़ के बारीक बारीक काट लिए, टमाटर ली हैं 3 से 4 अदद और उनके बारीक बारीक क्यूब्स काट लिए। इसके अलावा हम लेंगे सौंफ 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 2 बड़े चम्मच, ज़ीरा 2 बड़े चम्मच। इन तीनों मसालों को हम अच्छी तरह पीस लेंगे, बाकी गरम मसाले हमने नहीं पीसने, वो साबर डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 3 टेबलस्पून, नमक हम लेंगे 3 टीस्पून और 2 से 3 अदद लीमू बारीक बारीक स्लाइस काट लिए। सबसे पहले हम गोश्त में नमक और साबुत गरम मसाले जो हमने रखने थे, जिनमें बड़ी इलायची, जलवत्री, जायफल, बादियान, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें, ये तमाम चीज़ें डालकर हम इसे अच्छी तरह गला लेंगे। और हमने इसकी तकरीबन यखनी तैयार करनी है 1.5 लीटर जितनी, तकरीबन 4.5 ग्लास। एक खुले मुंह वाला हम बर्तन ले लेंगे, कढ़ाई या पतीला ले लें, उसमें हम 3/4 कप यानी कि 1/4 कप ऑयल का डालेंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें प्याज डालकर लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, प्याज हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब आप इसमें साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, टमाटर और लीमू के स्लाइस डालकर अच्छी तरह आप इन्हें फ्राई करें। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है और यखनी मैंने अलग कर ली है, तकरीबन 1.5 लीटर, 5 गिलास। देखिए व्यूअर्स, मसाला फ्राई हो चुका है। अब हमने जो मसाले पीछे पीसे थे, जीरा, सौंफ और सूखा धनिया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 छोटी चम्मच जितनी नमक और ऐड कर लेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और अगर आप ज़्यादा तीखे चावल पसंद करते हैं तो इस टाइम आप इसमें काली मिर्चें पिसी हुई भी डाल सकते हैं। अब आप इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त डाल दें, गोश्त डालकर मसाले के साथ इसकी भुनाई कर लें। ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने गोश्त की भुनाई करनी है। देखिए व्यूअर्स, गोश्त मसाले में अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। यखनी में हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, इसलिए आप नमक का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए व्यूअर्स, यखनी में अच्छी तरह बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे।
चावल डालकर आप इसे तेज़ आंच पे ही पकने दें, और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे दम देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, हल्का हल्का सा पानी है। अब आप इसे दम दे दें। आपने तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए दम देना है हल्की आंच पर, और नीचे तवा या कोई ऐसी डिश ज़रूर रख लें जिससे आपके चावल नीचे से ना जलें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद रेसिपीज़ देख सकें। देखें व्यूअर्स, चावलों का दम तैयार हो चुका है और चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इन्हें सर्विंग ट्रे में डालकर सर्व करें।